जब हम लोग दिल्ली में हमारी सेकंड सर्कुलर जर्नी की शूट में व्यस्त थे, हमें पता चला दार्जिलिंग के पास टाइगर हिल में बर्फ गिरने वाली है। और ये खबर मिलने की तुरंत बाद हमारी टीम निकल पड़ी पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी से टाइगर हिल की तरफ, ये जानने के लिए कि सही में टाइगर हिल में बर्फ गिरी है कि नहीं। टाइगर हिल में अब जाते हैं सनराइज देखने के लिए, पर वहां पे स्नोफॉल ये एक अनोखी बात है। चलिए देखते हैं इस कहीं सुनी बात में कितनी सच्चाई है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सेकंड सर्कुलर जर्नी की वीडियोस एक के बाद एक पोस्ट कर रहे हैं, तब ये वीडियो एक आउट ऑफ ट्रैक वीडियो है। पर यह बर्फ गिरने की खबर भी एक अनोखी खबर है, जिसे हम आप लोगों से बिना शेयर किए नहीं रह पाए। इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद फिर से हम लोग लौट जाएंगे अपनी सेकेंड सर्कुलर जर्नी की वीडियोज में। टाइगर हिल में बर्फ देखने को मिले या ना मिले, कम से कम इस खबर के बहाने सर्दी के मौसम में हिमालय में सफर करने का मौका मिल गया। ये तो मानी हुई बात है कि इस बार हिमालय में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है, और ऐसे मौसम में टाइगर हिल की हालत कैसी है वो तो देखने लायक हो। सिलीगुड़ी से निकल के रोहिणी के रास्ते हम लोग पैरे जा रहे करसिया, और वहां से आगे निकल जाएंगे हिलकट रोड से घूम तक। घूम में टाइगर हिल के लिए एक डाइवर्शन आती है, और वो डाइवर्शन लेके पहुंचना है टाइगर हिल। प्लान माफिक टाइगर हिल से वापस आने के समय इस रास्ते से सिलीगुड़ी वापस नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरा रास्ता लेंगे, और उस रास्ते से हम लोग नेपाल बॉर्डर तक जाएंगे, बाद में सिलीगुड़ी वापस आएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद उठाइए। से टाइगर हिल के लिए जो डायवर्शन आती है वहां पे हम लोग ऑलरेडी घुस चुके हैं। यहाँ पे चारों ओर पाइन पेड़ों का जंगल है, खुली ताजी हवा में सुनसान जंगल में से जाने का आनंद ही कुछ अलग है।
हम लोग टाइगर हिल पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पे तो बर्फ नहीं गिरी है। पर हमारी सुनी हुई बात गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि मौसम ऐसा है कि कभी भी बर्फ गिर सकती है। बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा भी चल रही है और आसमान बादलों से छाया हुआ है। पर इतने कम टेम्परेचर में बारिश तो नहीं होगी, अगर होगी तो स्नोफॉल ही होनी है। टाइगर हिल के सनराइज व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से नजारा कुछ ऐसा है, घने बादल देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि स्नोफॉल होने ही वाली है। इस व्यू पॉइंट से सनराइज का जो नजारा मिलता है वो देखने लायक है, पर वो देखने के लिए लक होना चाहिए। इससे पहले भी कई बार हम लोग टाइगर हिल आ चुके हैं और एक दो बार ऐसा हुआ कि सनराइज का मजा हम लोग ले पाए। यहाँ से सनराइज का नजारा और सूर्य की पहली किरण जब कंचनजंगा में पड़ती है तब कैसा लगता है, ये हमारी पिछले ट्रिप की कुछ तस्वीरों से आपके सामने रखते हैं। टाइगर हिल से फिर से वापस आ गए घूम, और घूम से डाइवर्शन ले लिए नेपाल बॉर्डर की तरफ। यह रास्ता लेप्चा जगत होके नेपाल बॉर्डर में पशुपति मार्केट की तरफ जाता है।